नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और मैं हूं रामविलास, आपका होस्ट और दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगा डेलिया के बारे में। डेलिया जो है मेरे हिसाब से हमारे जो अपने इंडिया के अंदर है सबसे बड़े फूलों में डेलिया का फूल आता है। और बहुत ही खूबसूरत कलर होता है इसका, सभी को पसंद आता है। लेकिन क्या है, आमतौर पर लोगों में बहुत गलत धारणाएँ हैं कि वो डेलिया बीज से उग जाएगा। बीज से उगने वाला डेलिया कभी भी इतना बड़ा फ्लावर नहीं देगा, छोटा फूल होगा उसका, सिंगल लेयर पेटल होगी, मल्टी लेयर पेटल नहीं होगा। दूसरी बात क्या होती है कि फिर कैसे लगाएं तो उसकी कटिंग से। मदर प्लांट या बल्ब डेलिया के होते हैं, उसको उगाया जाता है और फिर उसकी कटिंग से पौधा तैयार करते हैं। इसमें भी कई लोगों को ये गलतफहमी है कि बल्ब लगा देंगे उसका पौधा बनेगा और उससे हम बड़ा बड़ा फूल ले पाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसकी कटिंग काट के उसकी रूटिंग करनी पड़ती है और फिर पौधा बनता है, उससे बड़े फ्लावर आते हैं। आप ये कटिंग काटने की भी सारी विधि बताऊंगा। अब पौधा लगा हुआ है आपके घर में, लगा दिया, उसकी कैसी टेकिंग केयर करें, क्या दें उसको कि उसकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए और फ्लावरिंग से भर जाए। एक गमले में, एक ही नहीं, 10 इंची के गमले में 12 से लेकर के 16 इंची डाय तक का फ्लावर हम ले सकते हैं। तो हम खाद बताते हैं कि स्टोन डस्ट डालिए, नीम खली डालिए, लीव कंपोस्ट डालिए, आयरन डस्ट डालिए। उसमें लोगों को बहुत गलतफहमी रहती है कि ये कितना डालें, कैसे डालें। उन सब की सोल्यूशन का एक इलाज जो है मैंने ये कर दिया है। अब हमने निकाल दिया जैसे डेलिया मिक्स, इसके अंदर वो सब कुछ है जो आपके पौधे को चाहिए। ये डालना है आपको, 2 महीने में एक बार डाल देना है। और 2 ही बार डालने से डेलिया के फूल जो हैं ज़बरदस्त हो जाएंगे आपके। 2 महीने का अंतराल के बाद दोबारा डालना है इसको। और ये है डेलिया मिक्स, इसके अंदर जो भी चीज़ चाहिए डेलिया के पौधे को वो सारी कंप्लीट इसके अंदर हो गई। इसका 2 मुट्ठी डाला एक गमले में और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी चीज़ कितनी डालें, कैसे डालें, कब डालें की समस्या से छुट्टी। तो उम्मीद है आप देखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। पहले हम इसकी कटिंग कैसे तैयार करें, मदर प्लांट दिखाऊंगा मैं, इसके बाद कटिंग लगाएंगे। कटिंग जो रूटिंग हो जाती है वो भी दिखाऊंगा आपको कि रूटिंग होने के बाद हमें कैसे ट्रांसप्लांट करना है उसको। और जो डेलिया ट्रांसप्लांट किया हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा गेती कर दिया था जिसमें से काफ़ी मर गए और कुछ जो बचे हैं, उसकी टेकिंग केयर कैसे करनी है हमें ताकि हमारे को अच्छी फ्लावरिंग मिल सके आने वाले टाइम में। तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप हम लेते हैं कि ये हमें डेलिया की कटिंग लगानी कैसे है। तो ये देखिए सैंड है, मतलब नदी की रेत, बालू रेत, जो भी कहेंगे। अब हमने इसको ऐसे सेट कर देना है और गहराई जो लेनी है वैसल की इसमें लगाना है वो 4 से 6 इंची होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 इंच की है तो भी चलेगी, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लेना है क्योंकि मॉइस्चर इकट्ठा होगा ज़्यादा तो डेलिया जो है ये नाजुक होता है, बहुत ही मतलब पतला और कच्चा होता है। तो इसमें रूटिंग के लिए क्या है कि मॉइस्चर तो चाहिए, लेकिन एक्सेस मॉइस्चर होगा तो यहीं से ये गल जाएगा। तो ये देखिए हम कटिंग कहाँ से उतारेंगे। हमारे तो इस बार बहुत मर गए थे, लेकिन हमने कुछ जो पौधे कटिंग के रूप में लगाए थे जो कि छोटे छोटे बल्ब्स में कन्वर्ट हुए हैं, ये देखिए ये बल्ब्स ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे बल्ब बने हैं इसके डेलिया के, इनमें से हम कटिंग ले पा रहे हैं क्योंकि मदर प्लांट वाले तो पीछे बरसात में बहुत ख़राब हुआ, इसमें भी काफ़ी मरे हैं ये देखिए। तो इस तरह से पौधे हैं, इसमें से हम कटिंग उतारेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से परचेज़ करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ कई बार होता है कि लगा हुआ है तो उससे इस तरह की कटिंग ले सकते हैं। और दूसरा तरीका और भी बताऊंगा मैं कि सपोज़ करिए कि आप पौधे जो है मार्केट से ही लेकर के आए हैं, उसको लगाया है, वो थोड़े दिनों बाद क्या होता है ग्रोथ करते हैं और उसकी जो है शूट्स इधर उधर से निकलती हैं, तो वो शूट्स निकलती हैं उसको कट करके भी आप नए पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी, जो हमने पौधे लगा रखे हैं उसकी कौन सी शूट्स हम कट करेंगे और निकालेंगे। इसमें पिंचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पिंचिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें क्या होता है कि जो साइड ब्रांचेस एक्स्ट्रा निकल रही हैं हमें उन साइड ब्रांचेस को निकाल लेना होता है, नहीं तो इफ़ेक्ट कर जाएगा उसकी ग्रोथ पे। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी तो मेन ब्रांच जो है वो ग्रो नहीं करेंगी आपकी सही से, और आपका जो फ्लावरिंग का साइज़ है या नंबर ऑफ फ्लावरिंग है वो इफ़ेक्ट कर जाएगा। और ये जो नोड हैं, ये देखिए नोड, ये नोड 2 कम से कम अंदर जो सैंड के अंदर है वो जाना चाहिए आपका, नहीं तो क्या है कि रूटिंग अगर ऐसे छोड़ देंगे तो गलने के चांसेस है। ये गांठ है ना, जो ये चीज़ होनी चाहिए, तो इसमें से ही रूटिंग इसकी आपकी जल्दी निकलती है।
अब हमें काटना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब काटने के लिए हमें सीजर ले लें या कोई ब्लेड ले लें, इस तरह से कट करना है। देखिए ये है, अब हमें ये देखना है कहाँ से कट करना है, ये छोड़ देना है, यहाँ से कट कर लेंगे हम इसको, और इसको यहाँ से, ये हमने जो छोड़ दिया ये दो पत्ते हैं, यहाँ से हमारी दो ब्रांचेज अब निकलेंगी, 5-7 दिन 8 दिन के अंदर दो ब्रांच हमारी इसकी यहाँ से निकल जाएगी। जैसे ये हम काट रहे हैं तो इसको भी हमने छोड़ दिया, इसी तरह से काटना है कि हमारे नेक्स्ट कटिंग के लिए भी पौधा बचा रहे। ये नहीं कि एक बार काट के ख़त्म कर दिया, मैं अभी दिखाता हूँ सैंपल आपको कि किस तरह से हमारे ब्रांचेस निकलते हैं। ये हमने इसमें से ये कटिंग इतनी ले ली, इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। अब ये है एलोवेरा, इसको रूट हार्मोन भी लगा सकते हैं, रूट बिन 1, 2, 3 के नाम से आता है। तो रूट बिन 1 काम करेगा, बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम है इसकी, और रूट बिन 2 जो है मीडियम के लिए, रूट बिन 3 बहुत हार्डी प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि फ्रूट प्लांट्स वगैरह है उसमें काम करता है, लेकिन हम उसको यूज़ ना करते हुए घर में हमारे एलोवेरा है तो ये नेचुरल जो है रूट हार्मोन्स का भी काम करता है, एंटी फंगल का भी काम करता है, और जो इसको न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है ताकि जल्दी रूट्स आ जाए। तो हम इसको इसी तरीके से लगाएंगे, इसको क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा हल्का कर देंगे ताकि कोई भी रूट जो है हमारी इसकी प्लांट की स्टेम वो इसके अंदर ईजिली जा सके। तो ईजिली जाने के लिए देखिए ये हमने किया और इसको ये पूरी इसमें लग गया है, पूरी तरह से इसके एलोवेरा जो है इसके चुगिरदे को लग गया, तो इसके रूट जो हैं फंगस जो नहीं आएंगे इसमें, इसके स्टेम में फंगस नहीं लगेंगे और हमारे इसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि रूट हार्मोन का काम भी ये बखूबी निभाएगा, तो हमारी जल्दी रूटिंग इसमें हो जाएगी। अब रूटिंग की बात है कितने दिन में रूटिंग होगी, ये 15-20 दिन का टाइम ले लेता है रूटिंग के लिए, 15-20 दिन में कैसी कंडीशन होगी वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पूरी तरह से लगा होना चाहिए ताकि इसके सर्वाइवल के चांस जो है आपके वो ज़्यादा रहें प्लांट के। कटिंग जो है बहुत कम है इस बार, हमारी बहुत ज़्यादा होती थी बट जैसा मैंने बताया कि बरसातें ज़्यादा होने की वजह से सभी बल्ब कोडेक जो है मर गए, इसके प्लांट बचाते बचाते भी मर गए। डेलिया जो है थोड़ा नाजुक होता है, बहुत मतलब कच्चा होता है इसका स्टेम, तो इस सब ने पानी डाल दिया हमने, और इसको डेली नहीं डालेंगे, देखेंगे कि जब तक स्टैंड सूखे नहीं, हो सकता है एक दिन छोड़ के डालना हो तो एक दिन छोड़ के डालेंगे। अब इसको हम 5-7 दिन तक छाए में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, छाए में रख करके, और इसको हम इस तरह से वाटरिंग दे करके हम कर लेंगे। इसके बाद धूप जो है अगर देना भी है तो 1-1.5 घंटे की धूप सुबह की जो होती है वो पड़ जाए ताकि ये सर्वाइव हो जाए हमारा। अब रूटिंग जो हुई हुई है उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रूटिंग हो गई है जो हमने 15-20 दिन पहले लगाया था। देखिए ये मैं निकाल रहा हूँ सैंड में से, इसकी रूटिंग जो है किस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा रूटिंग नहीं होती है, कुछ की तो हुई नहीं है, देखिए कुछ की हुई हुई है रूटिंग, ये इस तरह से रूटिंग हो जाती है, जो हमने नोट नीचे रखा था वहीं से रूटिंग हुई है और ये पौधा बिल्कुल लगने को तैयार है हमारा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे अब, और तैयार हैं, बरसात होकर के जैसे बंद हो गया है, खाली हैं, तो इन गमलों में हम इसको लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मिट्टी का रेशो बताया है 7:1 का, रेशो वही होना है इसका भी, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और इस तरह से हमने खोद लिया इसको, जो गमले भरे हैं बहुत सालों से पड़ा गमला है उसमें मत लगाइए, इसमें मिट्टी हम जैसे हर बार रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज की हुई मिट्टी है, देखिए कितनी हल्की है, तो इसको हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करने का तरीका देखिए क्या है, ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच लीव्स हैं इसकी नीचे की, हम इसकी कुछ जो है वो निकाल देंगे और इसको इस तरह से ट्रांसप्लांट करेंगे। सेंटर में एक ही पौधा लगेगा आपका डेलिया का, अगर लगाते हैं 10-12 इंची गमला यूज़ करना है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, 12 इंची गमला हो नहीं तो 10 इंची तो हो ही हो। इसको बस ये देखिए यहाँ तक रूट जो है इतना ही हमने इसमें डालना है, ज़्यादा नीचे करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ये गल जाएगा, तो इसलिए इसको हमें ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है। दूसरा पौधा ये है हमारा, तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार था, लग गया। तो और हैं हमारे, तो इन पौधों को भी हम इसको लगा देते हैं, और क्ले पॉट्स हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, अगर नहीं है तो सर्दियों का टाइम है तो आप इस तरह के जैसे प्लास्टिक पॉट है ये मेरा, तो उसको भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 पौधे लग गए। पानी हमें देखिए जैसे डालेंगे तो इसका सिर्फ रूट रूट गीला हो,
उतना पानी डालना है, डीप इरीगेशन नहीं करनी है बहुत, बस इसके रूट में गीलापन आ जाए उतना ही पानी डालना है। देखिए, और ये हमने इतना पानी डाल दिया, पूरी डीप इरीगेशन नहीं करनी, बस इतने में ये सर्वाइव हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है उसकी टेकिंग केयर कैसे करनी है। ये देखिए, ये हमने डेलिया प्लांट थोड़े अगेती लगा दिए थे, आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है, और लेकिन अभी ग्रोथ जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं है जिस हिसाब का हमारा डेलिया होता है। तो उसके लिए एक्चुअली में क्या करना है, इनको अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अब न्यूट्रिशन देंगे, और मौसम जैसे कि बदल रहा है, इसको ठंडक चाहिए होती है, गर्मी में डेलिया नहीं होता है, सूख जाता है, मर जाता है। तो इस तरह के ये प्लांट हमारे हैं, और इसकी हम क्या करने हैं कि टेकिंग केयर कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग से टेकिंग केयर करके आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो ये देखिए, टेकिंग केयर में क्या करना है। टेकिंग केयर के लिए जैसे मैंने बताया कि डेलिया मिक्स है ये डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि करना क्या है हमें। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी कम डालना है, ये कल ही वाटरिंग हुई है। सबसे पहले तो इनके जो बीड्स उगे हुए हैं उसको निकालिए। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ब्रांचिंग है नीचे की, ये देखिए ये लीव्स, ये निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस काफ़ी निकल रही हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे पौधे के ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेंगी, तो हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, इसको हमने निकाल देना है, ताकि जो मेन ब्रांच पौधे की है वो हमारी अच्छी चले। अब ये इस तरह से हमने निकाल दिया, ये निकाल देंगे, तो ग्रोथ हमारे प्लांट की जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एक प्लांट आपने लगा लिया है, तो उससे कैसे पौधे तैयार कर, देखिए बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया था इस तरह का तैयार हो गया। तो इसको हम एलोवेरा जेल लगा के इसको नए प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें हम दो ब्रांच छोड़ सकते हैं या एक ही रहेगा। तो मोस्टली क्या होता है डेलिया के अंदर तो एक ही ब्रांच निकलती है, लेकिन जैसे इसमें देखिए ये एक अपवाद है जिसमें दो ब्रांच है, यहीं से स्टार्टिंग से दो ब्रांच निकल गई है। तो दो ब्रांच निकल गई है तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ब्रांच हेल्दी है स्टार्टिंग से, तो हेल्दी ब्रांच को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। लेकिन इस तरह से जो साइडों से निकल रही है, जैसे इसमें देखिए, अब गौर से देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे पत्ते नीचे से हैं, हमने बिल्कुल नीचे से एयरेशन क्लियर रखनी है, ताकि कीड़े जो है ना बैठ सके, दिखाई देते रहें, और हम उसको टाइम टू टाइम टेकिंग केयर करें। तो ये तो ब्रांच पत्ते हमने निकाल दिए एक्स्ट्रा। अब जो ये ब्रांचिंग है, ये देखिए, ये ब्रांचिंग जो है निकाल देनी है हमने, नहीं रखनी एक्स्ट्रा ब्रांचिंग, नहीं तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसका इफ़ेक्ट करेगा, और ऊपरली ग्रोथ होगी नहीं अगर ज़्यादा ब्रांचेस नीचे हो गई, क्योंकि न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया, अब इस तरह की कंडीशन हमने क्लीन कर देनी है। अब हमने इसकी इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। पानी देखिए, पानी कम रखना है, कल ही डाला है इसलिए गीला दिखाई दे रहा है आपको। धूप लग जाए, जब मिट्टी सूखी हो जाए, तब आपको इस तरह से, ये देखिए, इस तरह डालना है। और ये हमने जो डेलिया मिक्स किया, इसकी दो दो मुट्ठी हमने डाल देनी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, ये डेलिया मिक्स हमने यहाँ पे एक मुट्ठी इधर दबा देनी है, और तरीका वही रखना है दबाने का। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी से हमने ढक देना है। अब इसकी ग्रोथ जो है, अल्टीमेट ग्रोथ हमारी हो जाएगी हफ्ते के अंदर ही, आप देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो मैं इन्हीं के पौधों को दिखा दूँगा कि कैसे आपकी ग्रोथ जो है ये प्रमोट हो जाती है इसकी। इस तरह डाल के छोड़ देना है, और जब तक मॉइस्चर ना सूखे तब तक पानी आप दोबारा मत डालिए। ये नहीं है कि रोज़ रोज़ पानी डालना है, पौधे ख़राब हो जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इनके ग्रोथ का सही समय है इस टाइम, तो ग्रोथ के लिए आपने क्या करना है, ये डालना है, और गुड़ाई रखनी है, वीकली गुड़ाई इसको कर देनी है, ताकि आपके जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन ले पाएँ, और उनकी रूटीन जो है वो बढ़िया हो जाए।